यू नो व्हाट, आई जस्ट बुक द कैब बाय ओला और ये लोग पता नहीं इतने अजीब हो गए हैं आजकल, बस मजबूरी है कि जाना ही पड़ता है। अब पता नहीं यार नंबर क्या है, कहाँ पर है भैया, कौन सी शॉप है सामने आपके? हाँ मैं बोल रही थी कैब तो बुक हो गई बट ड्राइवर साहब सो रूट कीजिए। मैंने बोला आप लोकेशन पे आओ ना, थोड़ा दूर खड़े थे। बोले नहीं दो सीढ़ी तो चढ़ के आना है, थोड़ा दूर आ जाओ, आपका क्या जाता है। तो आई हेट टेकिंग कैब, अच्छा तो मेट्रो बस। गोइंग फॉर अ बेल मैटर, आई नो यू आरंट सीइंग बैंड एंड ऑल इन माई नेक, अभी दिख जाएगा बस थोड़ी देर में, थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। और इफ यू अबाउट एंशियसनेस एंड द इफ यू अबाउट एंशियसनेस एंड द क्यूरियोसिटी टू नो द रिजल्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन मैटर्स वेर यू नो यू गोइंग टू गेट द रिजल्ट द सेम डे, और वेर यू नो कि आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो एग्जिस्ट करती है। बट विद टाइम एज यू कीप डूइंग इट यू लर्न टू एडजस्ट विद वट एवर द रिजल्ट कम्स, बिकॉज यू नो दैट देर आर ऑलवेज रेमेडीज टू द रिजल्ट इटसेल्फ एज वेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। Guys, hearing for the today's date has happened. Our bail was pressed on one of the grounds, in fact was the ground of parade. Yes, I was waiting to come outside the court. मैं ये बता रही थी कि एक ground जो bail application में हमने उसे दिया था वो था parity का ground. Parity मतलब कि same level पे जिसने कोई offence किया है साथ का co-accused उसको release कर दिया गया है, but हमारे accused को release नहीं किया गया। तो we pray कि जैसा treatment उसको court ने दिया है वही same treatment हमें भी दिया जाए। but इसके लिए मैं आपको एक बात बहुत अच्छी मुझे बताना ज़रूरी लगता है, although it's very basic but इसी चीज़ों में हम कई बार confused हो जाते हैं, and it's very normal also, it's very organic also when you are new in the field, it happened with me as well. तो पैरिटी के टाइम पे हमेशा कभी भी आप अपने क्लाइंट को ये गारंटी मत देना या सेशंस बेल के टाइम पे कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में बेल मिल जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट कॉल्स फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द आईओ ऑफ द केस, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिपोर्ट आने के बाद ही कि जो इनका रोल था वो सेम था या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई ज़्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो नहीं है, कहीं इन्होंने कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं की थी केस में, उसके बाद ही कोर्ट उतना सेटिस्फाई होने के बाद में ही बेल देता है। उसकी जनरली 1 वीक के आसपास की डेट वो लगा देते हैं, अगर आप जल्दी के लिए प्रेस करोगे तो जल्दी भी लग जाती है, बट थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा बेल लेने में। तो यही आज हुआ है, अब नेक्स्ट डेट जब भी लगेगी मैं आपको बता दूंगी। द केस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज पर मी, बट देन यू ऑल्सो हैव टू ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ऑफकोर्स यू हैव रेमडीज टू गो अगेंस्ट दैट एज वेल, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डेजिग्नेटेड आंसर फ्रॉम द कोर्ट। हाई एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू एंड अर्जेंट अपडेट और मुझे लगता है मुझे ये तो आपको बताना ही था। DULLB जिन जिन भी लोगों को क्रैक करना है उनके लिए एक ऑनलाइन वेबिनार है टुडे एट 5 PM, मुझे अभी अभी ये अपडेट आई है। सब VLOG सब्सक्राइबर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप रजिस्टर करोगे तो। इसमें आपको ये भी समझाएंगे कि लॉ करने के बेनिफिट्स क्या है, 3 ईयर और 5 ईयर LLB में डिफरेंस क्या है, या आप किस स्ट्रीम से हैं तो आपको लॉ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। कई बार आपको करियर गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस वेबिनार विल डू फॉर यू। दिस वेबिनार इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लैट के लिए, जुडिशरी के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता है। और इनफैक्ट अगर आपको ऑलिव बोर्ड के भी कोई कोर्सेज परचेज का भी करने हो और आप VLOG सब्सक्राइबर हैं तो आपको वहाँ भी स्ट्रेट अवे हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल जाता है सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ परचेज़ नहीं भी करना है, आपको जस्ट प्रिपेयर करना है किसी भी चीज़ के लिए, क्लैट रिलेटेड एग्जाम के लिए, तो आप वहाँ से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री, अपने आपको एनालाइज कर सकते हो, दैट्स ऑल वेरी इजी। आप नीचे जाके लिंक पे क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, एक लिंक मैंने आपको वेबिनार के लिए दिया है। अगर लॉ करने की सोच रहे हो, प्लान करना चाहते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वेबिनार ज़रूर आज ज्वाइन कर लेना। और अगर
टेस्ट देने हैं तो ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप इजीली टेस्ट देके एनालाइज कर सकते हो खुद को. ऑल द बेस्ट, आज का वेबिनार ज़रूर अटेंड कर लेना. हे, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बेल से रिलेटेड भी, वैसे तो हम प्रोविजन बहुत सिंपल लगते हैं, ऐसे लगता है कि ये प्रोविजन सिर्फ एक लिबर्टी का आपको राइट को एक्सरसाइज करने का एक मौका दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने का एक मौका दे रहा है, बट एक्चुअली इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस, कितने केसेस आते हैं ना, इवन आई गेट अमेज टू सी. और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है जो अभी चलती रहती है, और वो है SC/ST Act. आप सबको पता है प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़, ये जो एक्ट बनी है बहुत पुरानी एक्ट है इनफैक्ट, लेकिन इसका सेक्शन एक सेक्शन 18 और सेक्शन 18A, इसके अराउंड और बेल के कॉन्सेप्ट के अराउंड इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि कोर्ट ने उस पर कई बार एडजुडिकेट भी किया, बट कोई एक प्रॉपर, मुझे तो अभी भी लगता है, इनफैक्ट कोर्ट हमेशा बोल देता है कि हमारी रीजनिंग सेम ही तो रह रही है हमेशा, बट मुझे लगता है एक प्रॉपर स्टांस कुछ निकल के आ नहीं रहा है, क्योंकि SC/ST Act में जो ऑफेंसेस हैं, यानी कि अगर आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट किया, कोई वायलेंस का एक्ट किया, और भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि SCs या STs हैं उनके साथ, उसके लिए ये पर्टिकुलरली एक्ट बनाई हुई है. और इस एक्ट में ऑफेंस करने के बाद, एक तो ये सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, दैट मीन्स अरेस्ट कैन हैपन विदाउट वारंट, पुलिस कभी भी आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अगर आपको किसी ने इस ऑफेंस के लिए अक्यूज़ किया. दूसरी बात, ये सारे ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिलनी अलाउड नहीं है. अब एंटीसिपेटरी बेल मिलनी अलाउड नहीं है, इस पर लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि अगर आपको कोई यूं ही बिना किसी प्रिमा फेसाए ग्राउंड के भी फॉल्सली अक्यूज भी कर देगा तो भी आपके पास आपका बेल का राइट एक्सरसाइज करने की पावर नहीं है. और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सेक्शन 438 CRPC को देखो जो आपको एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है, ऑल्दो पावर कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी होती है बेल देने की, बट वो किसी भी तरह से लिमिट नहीं करता है इस राइट को कि कोई कारण हो सकते हैं जब आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी. ऑफकोर्स वो अलग अलग स्टैट्यूट्स देते हैं, बट SC/ST Act में तो पूरा ही बार लगा दिया. तो इसी में एक केस था, पृथ्वीराज जजमेंट है वो, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी SC/ST Act से रिलेटेड. वहाँ पर जब सेक्शन 18A और 18 को दोबारा से उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, तो कोर्ट ने यही बोला कि हम फिर से बोल रहे हैं कि ललिता कुमारी केस को देख लो, हम फिर से बोल रहे हैं, हमने जो पुराने केसेस गाइडलाइंस दी हैं, जजमेंट्स दी हैं, उसको देख लो, अरेस्ट आप यूं ही इन ऑफेंसेस में भी नहीं करो. ऑल्दो यहाँ पर बेल मिलनी अलाउड नहीं है, बट कुछ केसेस में जहाँ पे प्रिमा फेसाए दिख रहा है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है, वहाँ पे बेल के लिए बेल का मिल जाना या बेल के लिए कंसिडर किया जाना कि उसको अलाउड होना चाहिए. तो ऐसी कुछ घूमी फिरी सी पोजीशन है इस कॉन्सेप्ट पे भी. पढ़ना इस बारे में आप मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है. इनफैक्ट एक केस भी था हमारे पास, एक कोई क्लाइंट है, ही इज़ अ सब्सक्राइबर ऑल्सो, वी लॉगिश के सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने यूपी में एक विलेज में रहते हैं वो, वहाँ से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था. और उनके जो फादर हैं वो किसी ऐसे ही मैटर में इन्वॉल्व हैं SC/ST Act के, और उनको बेल लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मुझे समझ आया कि इस प्रोविज़न की ग्राउंड रियलिटी भी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे टाइम्स में जब फॉल्सली अक्यूज़ कर दिया जाता है किसी को और जब उसे बेल भी नहीं मिलती है तो वो कितनी ज़्यादा परेशानी से गुजरता है, या एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी नहीं अलाउ कर पाता है तो कितनी ज़्यादा परेशानी से गुजरता है. और इनफैक्ट मुझे पता लगा कि उन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया था, वैसे यूपी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न आ चुका है दोबारा से, पर कोई मतलब थोड़ा ना है एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करने का. With this view of the Rohini court, let's end the vlog for today and let's meet you guys in the next video. Until then, take care of yourselves. I'll see you very soon again with a new video on a new concept. Bye for now.